नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके जिगर का छल्ला टिंकू जिया। सुरक्षा एजेंसियों को पता लगा है कि आने वाले 14 अगस्त यानी सोमवार को 80% लोग बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले सकते हैं। आपको बता दूं कि आने वाले मंगलवार को 15 अगस्त की छुट्टी है। ऐसे में 14 अगस्त की छुट्टी लेकर लोग एक साथ 4 छुट्टियां लेने की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसी कई फोन कॉल रिकॉर्ड की हैं जिसमें लोग बीमार पड़कर छुट्टी लेने की बात कर रहे हैं। हेलो सिग्मा 123, देख भाई 14 अगस्त को मैं तो बवासीर हो गई है बोलकर छुट्टी ले लूंगा। तू कोई और बहाना मार दियो। हाँ, अपनी दादी को मत मारियो, उन्हें तू पिछली होली पे मार चुका है। और सास की तबीयत खराब का बहाना भी मत बनाना, क्योंकि अभी तेरी शादी ही नहीं हुई। ओवर एंड आउट। इस बीच फेक इट इंडिया की टीम ने इस बारे में जब कुछ बॉसेस से बात की तो उनका कहना था कि हमें एक दिन की छुट्टी से प्रॉब्लम नहीं है, मगर दिक्कत यह है कि इतनी लंबी छुट्टी के बाद वापस आने पर किसी भी एम्प्लॉय के लिए अपना शोषण करवाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, एक साथ 4 दिन छुट्टी पर रहने में रिस्क ये है कि एम्प्लॉय खुद को इंसान मानने लगता है। दूसरा खतरा ये भी है कि 4 दिन ऑफिस से बाहर रहने पर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जाग सकती है, इससे पूरे ऑफिस का माहौल खराब होता है। पिछली बार लंबी छुट्टी से आया एक एम्प्लॉय मेरे सामने पर्सनल लाइफ की बात करने लगा, ये सुनकर मेरी तो बहुत जोर से हंसी छूट गई। हंसने से पूरे ऑफिस में मेरी इमेज खराब हो गई और लोग मुझे भी इंसान मानने लगे। इस बीच एम्प्लॉय को 14 अगस्त की छुट्टी लेने से रोकने के लिए नोएडा की एक कंपनी ने एक अनोखा तरीका अपनाया है। कंपनी ने अपने सभी एम्प्लॉयज को मेल कर यह कहा है कि अगर किसी ने भी 14 अगस्त की छुट्टी ली तो मान लिया जाएगा कि वो आदमी घर बैठकर पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके बाद उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा, जिसके बाद ट्रोल्स उसका वो हाल करेंगे कि बहाना मार कर 15 अगस्त पर छुट्टी मारना तो दूर, अपनी शादी पर भी छुट्टी मांगने में उसकी रूह कांपेगी। इतना ही नहीं, कुछ पेशेवर छुट्टीबाज एम्प्लॉयज को तो नोएडा की एक कंपनी ने ऑफिस में ही बंद रखने का फैसला किया है। कंपनी को शक है कि अगर इन्हें फ्राइडे को घर जाने दिया गया तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें सोमवार को छुट्टी लेने से नहीं रोक सकती। इसलिए ऐसे एम्प्लॉयज को 2 दिन तक ऑफिस के तहखाने में भरी जेल के अंदर ही बंद रखा जाएगा। मगर इसके बावजूद ऑफिस के ही एक एम्प्लॉई सचिन यादव ने अपनी महिला बॉस के खिलाफ बगावत कर दी है। उसका कहना है कि 15 अगस्त से पहले जेल में बंद होकर अपनी आजादी छिनवाने से अच्छा वो नौकरी छोड़ना पसंद करेगा। सचिन के इस फैसले के बाद पूरे ऑफिस में उसकी तारीफ हो रही है, मगर इस बारे में जब हमने सचिन की बॉस से बात की तो उसका ये कहना था। सचिन क्या है, सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना झिंगुर सा लड़का।